राम राम दोस्तों, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ जी टमाटर की पौध यानी नर्सरी, जो पूरी तरह से ब्लाइट ने जकड़ रखी है। ब्लाइट यानी झुलसा। देखो पूरी पौध में आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो सूख रही हैं पत्तियाँ, है ना। और इसमें जो है वो अर्ली ब्लाइट है, देखो तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मैंने इसमें कुछ दवाओं का छिड़काव भी किया है और अब स्थिति लगभग कंट्रोल में है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपकी पौध में या फिर रखने के बाद खेत में जब पौधा बड़ा होता है तब अगर झुलसा जैसा रोग आता है, जैसे ये झुलसा रोग आता है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया जो दवाई है, मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन एक है जो सस्ती भी है और अच्छी भी है, तो एक सजेंटा कंपनी का आता है रेडोमिल गोल्ड। एक रेडोमिल आता है लेकिन जो गोल्ड है वो कुछ ज़्यादा कारगर है। आप उसे लाएँ और उसका छिड़काव करें तो कुछ हद तक या फिर 100% झुलसे से छुटकारा मिल जाता है कुछ समय के लिए। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये पूरी तरह से ये सूख रहा है पौधा, ये पत्तियाँ पूरी तरह से सूख गई। तो ये पूरी नर्सरी में हो रहा है। मैंने आज ही इसमें रेडोबल गोल्ड का छिड़काव किया है और दो तीन दिन पहले पहले भी किया था, तो कुछ ठीक लग रहा है। फिर देखो क्या होता है ना। तो देखो और भी दिखाऊँ मैं आपको इधर, देखो अर्ली ब्लाइट में क्या रहता है, जो अर्ली ब्लाइट देखो बीच से आना शुरू होती है। देखो ये छोटे छोटे छेद हो रहे हैं, ये धीरे 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 पूरे में फैल रहा है। धीरे धीरे यही छेद बड़े होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे और पूरे पत्ते को, जैसे ये है देखो, जैसे ये सूख गए ये वाले, इसी तरह से अपने पूरे कब्जे में ले लेंगे और पूरी पत्तियों को सुखा देंगे, है ना। फिर बाद में पौधा पूरा सूख जाता है। तो अभी तो ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।